वेलकम टू पंजाबी कुकिंग। आज हम पालक के कोफ्ते बनाएंगे और देख लेंगे इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोफ्ते बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए पहले हम उसे देख लेंगे। जो आधा किलो पालक ली थी हमने, इसकी डंडियां हटा के इसके सिर्फ पत्ते पत्ते धो के इसे ब्रीक काट लिया है। जो 350 ग्राम पालक है, तेल लिया है कोफ्ते तलने के लिए, 1 कप बेसन, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक जहाँ स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 हरी मिर्च ली है इसको ब्रीक काट लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए उसे भी देख लेंगे। 1/4 क्रीम ली है, 1 पिंच हींग, 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 प्याज लिया है उसको ब्रीक पीस लिया है, 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है। इसके अलावा हमने 2 हरी मिर्च, 12-13 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 टमाटर और 14-15 बादाम लेके इसको छील लिया है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। सबसे पहले हम कोफ्ते के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। बेसन डाल लेंगे बाउल में और 1 कप हम पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। और बैटर हमारा पतला नहीं होना चाहिए, हम गाढ़ा गाढ़ा बैटर बना के तैयार करेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया है। मसाले डाल देंगे इसमें, हम नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए कि अगर हम चम्मच से गिराएंगे तो इस तरीके से गिरना चाहिए। ज़्यादा पतला बैटर होगा तो कोफ्ते हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसके अंदर पालक डाल देंगे। पालक को थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं पालक को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तेल रख देंगे गर्म होने के लिए। तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है हम इन्हें पीस के तैयार कर लेंगे। बादाम डाल देंगे और टमाटर को मैंने काट लिया है। टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक इन सभी को डाल के पीस लेंगे। सभी चीज़ों को पीस लिया है और देखिए इस तरीके का बैटर आपने तैयार कर लेना है। और तेल गर्म हो गया है, कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। कोफ्ते डालना शुरू करेंगे। हाथ से भी डाल सकते हैं, गैस हम मीडियम पे रखेंगे। कोफ्ते हमारे दोनों तरफ से सिक गए हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के कोफ्ते भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। कोफ्ते हमारे दोनों तरफ से सिक गए हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। गैस ऑन कर दिया है और 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डाल दिया है और अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। भून लेंगे इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारा भून गया है, अब हम इसमें बाकी का पेस्ट भी डाल देंगे टमाटर का। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इसे हम 1.5-2 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 2.5 से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और टमाटर का भी और लहसुन अदरक का सभी का कच्चापन दूर हो गया है।
अब इसमें मसाले डालेंगे। गैस मीडियम पे कर देंगे। नमक डाल देंगे, 1 चम्मच नमक है, जो स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मिक्स कर देंगे इसे, और जब तक मसालों से घी अलग नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, घी अलग दिखने लग गया है मसाले से। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 2 कप पानी डाल देंगे इसमें, क्योंकि जब भी आप कोई भी कोफ्ते की सब्जी बनाते हैं तो उसमें की जो तरी हो वो थोड़ी सी पतली रखनी चाहिए। जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे वो तरी उसमें ऑब्जर्व होगी तो सब्जी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इसे हम ढक के पकने के लिए रख देंगे। चेक कर लेंगे, तैयार हो गई है देखिए ग्रेवी हमारी। और 8-10 मिनट तक हमने इसे पका लिया मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। पहले हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। एक बार हला देंगे इसे अच्छे से। कोफ्ते डाल देंगे। दो मिनट तक हम इसे ढक के पका लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, और उसके बाद हम इसमें क्रीम डालेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे। अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर देंगे। लीजिए कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो गए हैं। क्रीम डाल के हम इसे एक इस तरीके से हिलाते रहेंगे ताकि क्रीम फटे नहीं, और 1 मिनट तक बस हम इसे पकाएंगे क्रीम के साथ। 1 मिनट हो गया है, कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। गैस बंद कर देंगे और इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए पालक के कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है। आप इसे रोटी के साथ, परांठे के साथ, चावल के साथ बना के सर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।